हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉल इन इंडिया में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन की हेल्प से रिवर्स ओपन नंबर कैसे बनाना है। रिवर्स ओपन नंबर मीन्स मान लो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1 2 3, तो उसका रिवर्स कैसे करेंगे। उसका अगर रिवर्स करेंगे हम मैनुअली करें तो 3 2 1 हमें तो पता ही है। मान लो हमें बड़ा सा अगर नंबर दिया हुआ है तो उसका रिवर्स कैसे करना है, तो आज हम बनाएंगे वैसा प्रोग्राम और देखेंगे कैसे करना है उसका रिवर्स। तो जो हम आज प्रोग्राम बनाएंगे ना, किसी भी नंबर को आप लिख लीजिए, ये उसका रिवर्स फाइंड करके आपको दे देगा, ये फॉर श्योर है मेरी तरफ से आपके लिए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे फाइंड करना है रिवर्स ओपन नंबर। तो दोस्तों आ गए हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बनाते हैं यहाँ पर एक न्यू फाइल। न्यू फाइल बनाएंगे रिवर्स ऑफ नंबर .py। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लें ताकि दिखे सही से। हम यहाँ पर लेते हैं यूज़र से इनपुट लेंगे। किस चीज़ का इनपुट लेंगे, हम उससे नंबर पूछेंगे। एंटर नंबर You want to be reversed? You want to be reversed? ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद हम लेंगे रिवर्स नाम का एक वेरिएबल। हम जो भी वेरिएबल को रिवर्स करेंगे वो इसमें डालेंगे, जो भी हम अपना यहाँ पर ऑपरेशंस चलाएंगे। उससे पहले हम चलाते हैं ऑपरेशन से पहले हम यहाँ पर लूप चलाते हैं। एन जब तक हमारा जीरो से बड़ा है, हमारी जो भी यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे वो जब तक जीरो से बड़ी है, क्या हो हम यहाँ पर लेते हैं डिजिट नाम की एक वैल्यू। और क्या करेंगे, हमारा जो एन नाम का वेरिएबल था ना, यहाँ पर जो एन नाम का वेरिएबल था उसको हमने कर देना है डिवाइड कर देना है 10 से, और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हम डिजिट में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें जो रिवर्स की वैल्यू है, रिवर्स का वेरिएबल है, उसको करना है रिवर्स मल्टीप्लाई बाय टेन प्लस हमारा डिजिट। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो रहा है मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद अब एन की वैल्यू लेते हैं, एन लेंगे हम। हमने देखा था ना अपना ऑपरेटर्स में, हम ऐसे भी ले सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, हमने देखा था ये। हम लेंगे एन इक्वल्स टू डिवाइड 10, जो भी हमारा इंटीजर की वैल्यू है, जो डिवाइड होकर इंटीजर में वैल्यू आए वो 10 में आए। हमने देखा था ना जब ये डिवाइड करेंगे, जब सिंगल ये स्लैश हो, जब सिंगल स्लैश हो तो ये पॉइंट में देता है आंसर, इसलिए हम लेते हैं जब हमें इंटीजर में चाहिए होता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट द रिवर्स ऑफ नंबर इज रिवर्स। ठीक है ना दोस्तों, हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा चल भी रहा है। तो एंटर नंबर यू वांट टू बी रिवर्स्ड, यहाँ पर हम डालते हैं 567। तो दोस्तों ये देखिए क्या आ गया, 765 आ गया। तो यस, ये रिवर्स हो रहा है। तो अब मैं आपको इसको ईजिली समझाता हूँ। ईजिली समझाने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिग। और यहाँ पे हम लिखते हैं डिक, यहाँ पर हम डालते हैं प्रिंट आर वी रिवर्स, और यहाँ पे डालते हैं प्रिंट एन। अब मैं आपको रन करके बताता हूँ, फिर ये पूरा ऑपरेशन मैं समझाऊंगा। एंटर नंबर यू वांट टू बी रिवर्स्ड 567। तो दोस्तों थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूं। तो दोस्तों देखना क्या हुआ, ये देखना इसमें क्या हुआ। पहला हमारे पास डिजिट आया 7, दूसरा रिवर्स आया 7। मैं इसको आपको समझाता हूँ। इसको हम डालते हैं, क्या डालें हम, नोटपैड ओपन करते हैं और मैं आपको
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। पहले इसको करते हैं छोटा ताकि आपको दिखे इजीली, फॉर्मूला भी दिखे। तो दोस्तों हमारे पास पहले देखना क्या था, पहले हमारे पास था n, n में हमने क्या डाली थी वैल्यू, इक्वल्स टू 567 डाली थी हमने, n की वैल्यू 567 डाली थी, n में हमने डाली थी 567। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या n जो है हमारा जीरो से बड़ा है। तो हाँ n हमारा जीरो से बड़ा है, तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो n को 10 के साथ। n को 10 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आंसर आएगा 7, क्योंकि ये देखिए ना 567 हमारा अगर डिवाइड होगा 10 के साथ तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 7। तो यहाँ पर आया 7, तो ये हम लिख देते हैं डिग इक्वल्स टू 7, डिजिट हमारे पास आया 7। तो उसके बाद दोस्तों पहले इसको थोड़ा और छोटा कर लें हैं, उसके बाद यहाँ पर हमने रिवर्स देखा, तो रिवर्स की वैल्यू क्या थी, रिवर्स हमारे पास था यहाँ पर था 0, तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, डिजिट कितना था हमारे पास 7, तो प्लस करेंगे 7, कितना आया हमारे पास आंसर आया इसका, हमारे पास आंसर आया क्या 7, 7 आंसर आया दोस्तों। तो यहाँ तक ये याद रखिएगा हमारा आंसर आया 7। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n जो बच गया था यहाँ पर देखिए ना, डिवाइड किया 567 तो असर क्या है 7, तो रह कितना गया हमारे पास 56 रह गया, तो n कितना रह गया हमारे पास, n लेफ्ट कितना रह गया हमारे पास 56 रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर फिर उसको डिवाइड करेंगे, डिजिट कितना आएगा हमारे पास 56 में, अगर 56 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 56 को डिवाइडेड बाय 10 के साथ करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। ठीक है ना दोस्तों, हमारे पास रिमाइंडर आया 6। अब उसके बाद देखने रिवर्स में हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, रिवर्स में यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई थी 7 आ गई थी ना, तो ये हमारा जो है ये है रिवर्स इक्वल्स टू 7, रिवर्स की वैल्यू 7 आई थी, तो हम लिखेंगे 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू कितना, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, प्लस है यहाँ पर, प्लस कितना है हमारे पास, हमारे इस बार डिजिट कितना आया, डिजिट आया 6, तो 6 आया, क्या हो गया 7 इंटू, ये देखना ये 7 नहीं है ये रिवर्स है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 70 प्लस 6 कितना आया हमारे पास 76 आ गया। ठीक है ना दोस्तों, हमारे पास 76 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिवर्स। अब हमारे पास n कितना बच गया था, n लेफ्ट हो गया था कितना, हमारे पास n लेफ्ट हो गया था 5, तो जो रिमाइंडर होगा वो भी 5 ही होगा, तो रिमाइंडर वो भी 5 रह गया। रिमाइंडर यहाँ पर दोस्तों देखना, इधर लास्ट टाइम में n हमारे पास 5 रह गया, डिजिट वही डिजिट यहाँ पर रिमाइंडर में ले रहा हूँ, यहाँ पर डिजिट आना चाहिए था, डिजिट हमारे पास 5 रह गया। ठीक है ना, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स हमारे पास था कितना, रिवर्स था 76, तो 76 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस कितना हुआ 5, तो ये कितना हो गया 760 प्लस 5, तो कितना हो गया दोस्तों 765, तो ये आंसर ऐसे आया। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर किया क्या हमने, सबसे पहले 567 लिया, उसको 10 के साथ डिवाइड किया तो क्या डिजिट कितना रह गया 7, डिजिट हमारे पास 7 रह गया, रिवर्स कितना था 0, तो 0 मल्टीप्लाई 10, लूप चल रही है ना यहाँ पर वाइल लूप है, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले रिमाइंडर आया था 7, रिमाइंडर 7 आया और ये क्वेश्चन था 56, ये देखिए डिजिट यहाँ पर 6 है 766, तो ये यहाँ पर आ गया 765। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं आपको इजीली समझा दूंगा, दोबारा आप मुझको कमेंट कर देना, मैं आपके लिए दोबारा एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।